नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी सभी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी की हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020 संसद में कब पेश किया गया था? केंद्रीय बजट 2020 यह संसद में कब पेश किया गया? ऑप्शन है 31 जनवरी, 1 फरवरी, 5 फरवरी या फिर 25 जनवरी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी 2020 को पेश किया गया। ठीक है, केंद्रीय बजट 2020 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया है? तो संसद में जो बजट है वह किसने पेश किया है? ऑप्शन है इसका अमित शाह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या पीयूष गोयल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। यह देश की वर्तमान कौन है? वित्त मंत्री हैं, और इन्होंने ही 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट संसद में पेश किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 115, 112 या फिर 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112 में वर्णन किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का। किस में? अनुच्छेद 12 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देश की प्रथम महिला केवल वित्त मंत्री कौन बनी है? देश की प्रथम महिला केवल और वित्त मंत्री कौन बनी है? तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण यह देश की पहली वित्त मंत्री है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? देश में पहली बार महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? तो वह बनी थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी देश की पहली वित्त मंत्री बनी थी, और उसके साथ एक कौन थी? प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री की थी, और उनके पास कौन सा वित्त विभाग भी था। तो पहली वित्त मंत्री कौन? इंदिरा गांधी। और स्वतंत्र रूप से यानी कि केवल वित्त मंत्री महिला कौन है? तो वह है निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? तो वह बनी है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण बनी है, जिन्होंने लगातार 2 बार बजट पेश किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो यह किया गया था सनमुखम चेट्टी के द्वारा। किसके द्वारा? सनमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो यह किया गया था 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 26 नवंबर 1947। अगला प्रश्न है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है चमड़े का थैला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चमड़े का थैला यह बजट शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेम्स विल्सन या भीमराव अंबेडकर।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स विल्सन को माना जाता है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक। ठीक है, और इन्होंने ही देश में सबसे पहले बजट पेश किया था, कब किया था, तो यह 1860 में किया था। ठीक है, 1860 में जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया था, और भारतीय बजट व्यवस्था के जनक भी माने जाते हैं जेम्स विल्सन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा। 2.5 लाख रुपए तक की आय पर हमें कितना टैक्स देना होगा, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि 0% टैक्स देना होगा, यानी कोई भी टैक्स हमें नहीं लगेगा। यदि आपकी आय 2.5 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा। अगला प्रश्न है कि 2.5 से 5 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा। यदि आपकी 2.5 से 5 लाख रुपए तक की आय है तो आपको कितना टैक्स देना होगा, तो राइट आंसर है इसका 5% का टैक्स हमें यह देना होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 5% का टैक्स देना होगा। अगला प्रश्न है कि 5 से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा। 5 से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर हमें कितना टैक्स देना होगा, तो वह हमें कितना 10% टैक्स देना होगा। कितना 10% टैक्स हमें देना होगा यदि हमारी आय 5 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर हमें कितना टैक्स देना होगा। तो 7.5 से 10 लाख रुपए तक की आय पर हमें 15% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15%। अगला प्रश्न है कि 10 से 12.5 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा। तो 10 से 12.5 लाख रुपए तक की आय पर हमें कितना टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, तो राइट आंसर है इसका 20% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20% टैक्स देना होगा। अगला प्रश्न है कि 12.5 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स हमें देना होगा। 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर हमें कितना टैक्स देना होगा, तो इसका राइट आंसर है 25%। ठीक है, कितना 25% हमें इस पर टैक्स देना होगा। ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन कितना 25% हमें टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा यदि अपनी आय 12.5 से 15 लाख के मध्य। तो अगला प्रश्न है कि 15 लाख से ऊपर यदि आय अपनी होती है तो हमें कितना टैक्स देना होगा। यदि आपकी आय 15 लाख से भी ऊपर है तो आपको 30% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10 लाख से आबादी शहर शहर हैं उनको स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर है 4400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4400 करोड़ रुपए का अनु किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि बैंक दिवालिया होता है तो ग्राहकों का कितना रुपया सुरक्षित रहेगा। यदि कोई भी बैंक दिवालिया हो जाता है और उस बैंक में आपके पैसे डिपॉजिट हैं तो आपका कितने रुपये सुरक्षित रहेंगे, तो वह 5 लाख रुपए तक आपकी अमाउंट सुरक्षित रह सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 लाख रुपए तक। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पहली बार अलग से कितने करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर दिया गया है। अलग से कितने करोड़ रुपए का फंड दिया गया है केवल जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसको दिया गया है 30,757 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30,757 रुपए केवल और केवल जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यह अलग से बजट दिया गया या फंड दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लद्दाख में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पहली बार अलग से कितने रुपए का फंड दिया गया है। तो लद्दाख के लिए भी अलग से फंड दिया गया है, तो वह दिया गया है 59,58 करोड़ रुपए, यानी कि 5,958 करोड़ रुपए
यह बजट दिया गया है, ठीक है, किसके लिए, यह लद्दाख के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बजट 2020 के अनुसार किसके लिए राष्ट्रीय एजेंसी बनेगी। बजट 2020 के अनुसार किसके लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी बनाने का फैसला किया गया है, तो वह किया गया है बैंक रिक्वायरमेंट के लिए, केवल किसके लिए, बैंक रिक्वायरमेंट के लिए यह एजेंसी बनाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बजट 2020 के अनुसार किन विदेशी कंपनियों को डाटा सेंटर भारत में ही बनाने होंगे। बजट 2020 के अनुसार किन विदेशी कंपनियों को डेटा सेंटर भारत में ही बनाने होंगे, तो वह हैं सभी सोशल कंपनियों को जो डाटा सेंटर होता है वह भारत में ही स्थापित करने होंगे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, जितने भी सोशल मीडिया वाली जो वेबसाइट या फिर ऐप्स होती हैं या कंपनी होती हैं, सभी को अपना जो डाटा सेंटर है वह भारत में ही स्थापित करना होगा। अगला प्रश्न है कि अब तक का सबसे लंबे समय तक भाषण किसने दिया। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया है, तो वह दिया है निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण यह निर्मला सीतारमण ने दिया है, ठीक है। यह कब तक और अब सबसे ज़्यादा समय तक भाषण देने का यह रिकॉर्ड भी बन गया, और इन्होंने कितने 2 घंटे 41 मिनट तक यह बजट पर भाषण दिया था, 2 घंटे 41 मिनट तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020 का कितने रुपए का बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020 का कितने रुपए का बजट पेश किया है, तो वह किया है 30.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।